हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। पंचायत समिति हमीरपुर के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन में क्रॉस वोटिंग का खेल देखने को मिला। पंचायत समिति हमीरपुर में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर अपना दावा जता रहे थे, लेकिन क्रॉस वोटिंग के खेल में भाजपा ने बाजी मारते हुए परचम लहराया। वहीं उपाध्यक्ष के पद पर कांग्रेस ने कब्जा कर लिया। पंचायत समिति हमीरपुर में कुल 15 बीडीसी वार्ड है। एसी टू डीसी हमीरपुर राजकिशन ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग प्रक्रिया के तहत जो प्रत्याशी हरीश कुमार को कुल 9 मत मिले, जबकि प्रत्याशी राजीव को 6 मत प्राप्त हुए हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए जो हमने रखे थे, उसमें हमारे पास अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार राजीव कुमार और श्री हरीश कुमार, ये हमारे पास इसमें अध्यक्ष पद की दौड़ में थे, जिसमें से हरीश कुमार जी इनको 9 मत प्राप्त हुए और राजीव कुमार को 6 मत प्राप्त हुए। तो इस प्रकार जो हरीश कुमार को अध्यक्ष के रूप में इनको निर्वाचित घोषित किया गया, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए भी हमारे पास 2 उम्मीदवार। आज का जो चुनाव था एक बहुत ही रोचक था, जिसमें कि हमारे 15 सदस्य थे, उनमें से मुझे 9 मत मिले हैं और विपक्ष में जो हैं वो 6 मत मिले हैं। मैं पहले तो अपने सभी भाइयों का, जिन्होंने मुझे आज वोटिंग की है और मेरे पक्ष में वोट दिए हैं, उनका मैं आभारी हूं कि जिन्होंने मुझे आज जिता के यहां पे भेजा है, इस सीट पे भेजा है, और मैं सबकी आशाओं के अनुसार अच्छा उतरने की कोशिश करूंगा और जो भी अपने ब्लॉक में कार्य हैं उनको करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसका श्रेय मैं सारा अपने विधायक महोदय जी को देना चाहता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत की और हमें यहां तक पहुंचाया। मैं बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद करता हूं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए हमीरपुर से सुशील शर्मा की रिपोर्ट।